अलंकार पढ़े हो कभी, कुछ तो पढ़े होगे। अलंकार मीन्स क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो बना है, अलंकार ये बना है दो शब्दों से, एक शब्द है अलम और एक है कार। अलम मीन्स क्या होता है? आभूषण या फिर शोभा कह सकते हो, ठीक है। और ये कार मीन्स होता है करने वाला ना, जो आभूषण करता। देखो एक होता है कि इंसान ऐसे ही रहे, थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा, लेकिन एकदम से सज धज के आए, एकदम से जैसे कि क्रीम लाली लिपस्टिक जो लड़कियों में ज्यादातर होता है, लड़के लड़के भी लगाते हैं, ऐसा मत सोचो लड़के लिपस्टिक नहीं लगाते, लगाते हैं लेकिन कम लगाते हैं, ठीक है। मैं भी कच्चा सा, आपने तो लगाया था थोड़ा सा आए, मैं कई लोगों को देखता था होंठ लाल लाल रहते थे, मुझे लगा, मुझे क्या पता कि वो, मैं तो ज्यादा समझदार नहीं था, मुझे लगा कि ये लोग लिपस्टिक लगा के आते हैं, वो तो बाहर बदल के लोग पान खाए रहते ना इसलिए लाल रहता है, मुझे लगा लिपस्टिक लगा। मैं भी एक दो बार ऐसे थोड़ा बहुत लगाया था, ये बचपन में चलता रहता है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, मतलब जब पढ़ने वाली उम्र सब दूर रहना चाहिए, लेकिन जब ये ज्यादा श्रृंगार किया जाता है तो थोड़ा सा बढ़ जाती है सुंदरता, बढ़ जाती है। शादी में दुल्हन को इतना क्यों सजाते हैं? ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखे, दूल्हे को भी खूब सजाते हैं, लेकिन अगर आभूषण जरूरत से ज्यादा, अलंकार जरूरत से ज्यादा लग जाए तभी बेकार हो जाता है, जितना जरूरी है उतना ही। आप कभी कभी देखो ना शादी में दुल्हन को इतना सजा देते हैं कि एकदम से भद्दी लगने लगती है, उससे अच्छा तो उसकी सहेलियां दिखती रहती हैं। अगर आप लोग आप देखे हो, देखे तो होंगे, ये सिंपल बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे आप शब्द पढ़ोगे, अर्थ यहाँ पर जो पढ़ोगे उसमें भी कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो उस शब्द की शोभा बढ़ाएंगे, शोभा बढ़ाएंगे मतलब वो उसमें आभूषण की तरह यूज किए जाते हैं। कोई शब्द से सिंपल हम लोग बोल देते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, जैसे मान लो कि बादल गरजने वाले हैं, एकदम पानी से भरा हुआ काला काला बादल दिख रहा है, और आप कह रहे हो मत बरसो यार डूब जाएगा मेरा खेत, जैसे धान कटने वाले हैं, और वो अपने घमंड में था, बोला बरस के जाऊंगा ना, तो अब आप लगेगा अरे इस काली घटा में पड़ा घमंड में, तो आप इस पे जैसे वो हो जो एक है अपने बहुत अच्छे अच्छे कविताएं करते हैं, क्या नाम उनका, नौजवान थे, कोई दीवाना कहता है कोई पागल, क्या नाम उनका, कुमार विश्वास, कुमार विश्वास कोई शब्द पकड़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे आभूषण में पिरो कर अच्छे से प्रस्तुत कर देंगे, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप बोल सकते हो काली घटा का घमंड घटा, अब ये शब्द अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे कोई लिख दे तो नहीं समझ आएगा। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक हो जागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, कितना अच्छा लगता है पढ़ने में। अब वैसे ही उसको साधारण शब्दों में लिखना हो, जैसे कि एक और सतगुरु हमसे रीछ कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, ये शब्द ना बड़े तुक के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे शब्द यूज किए गए, पढ़ने में अच्छा लगे और बोलेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब वैसे ही सतगुरु हमसे खुश होकर एक प्रसंग बोले और इतना खुशी हुआ कि हमारा शरीर भीग गया, अच्छा लग रहा है नहीं? लेकिन अगर जब उसको शब्दों में अलंकारित किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है कि अलंकार अगर किसी शब्द में आएंगे, शब्द की शोभा बढ़ जाती है, शब्द शब्द लगने लगते हैं, ठीक है। तो अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम और कार। अगर आप संधि पढ़े थे तो आपको याद होगा कि ये जो म था ये अनुस्वार में चेंज होता है ना, दोनों जुड़ता है तो ये अनुस्वार में चेंज होता है। तो आप एक लाइन बनाएंगे इसका अलंकार, इसको दो कॉलम बनाओ, शुरुआत करो इससे पहले, अलंकार अलम धन, अलम और कार से बना है, अलम का मतलब आभूषण या फिर शोभा और कार का मतलब करने वाला। जल्दी सुनो, इतना इतना बनाओ। ओके अवस्थी बना लिखना, इतना बोले काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। तो वैसे ही जैसे आपके शरीर की शोभा बढ़ाने वाले चीजों को अलंकार कह सकते हो ना,
जैसे अगर मैं यहाँ पर वो काले रंग वाला चश्मा लगा के आऊँ एकदम चिपका वाला, तो वो मैं फैशन के लिए पहन के आया हूँ, ये मेरा फैशन नहीं है, ठीक है, ये जरूरी है। अब ये भी अच्छा लग जाए तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बहुत लोग जो चश्मा लगाते हैं वो अच्छा लगने के लिए लगाते हैं, तो वो अलंकार है। जैसे कि घड़ी, घड़ी तो मैं यहाँ 2 रुपए वाला भी पहन सकता था जो करते रहते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये अलंकार में आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे जो बहुत खुद को मेंटेन करे, समझ लो जिन जिन चीजों को उपयोग करके वो मेंटेन कर रहा है खुद को, वो सब अलंकार में आता है। चाहे इंसान सिंपल भी आ सकता था, मैं धोती कुर्ता पहन के सिंपल से भी आ सकता था ना, तो वो अलंकार में नहीं आएगा, लेकिन वो चीजें जो एक शरीर में होने के बावजूद एक्स्ट्रा आ गई है वो अलंकार में आते हैं। आप लोग भी बहुत सारे अलंकार करके ही आए होंगे, लड़के भी लड़कियां भी, और हम भी करके आते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही लोग करके आते हो, सब लोग करके आते हैं। तो वो चीजें जो अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज हो जाती है वो भी अलंकार में आती है। और ऐसे ही जब वाक्य में कोई शब्द लिखा जाता है, कोई काव्य लिखा जाता है, उसमें भी जिन शब्दों को यूज करके उसके पढ़ने की लय को अच्छा किया जाता है, पढ़ने की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, वो भी क्या है, अलंकार है। क्लियर है? तो वाक्य की, सॉरी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलग स्थिर बनाकर लिखना, चाहे तो ऐसे लिख लेना, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, तो अलंकार लिखना, और एक तरफ लिखेंगे कौन सा, शब्दालंकार, और एक लिखोगे आप अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार अर्थालंकार, समझ आता है, शब्दालंकार। अब ध्यान से एक बात सुनेगा, कहीं भी भले किताब कुछ भी बोले, कभी भी अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं होती है। कुछ भी, कुछ अलंकार है फिक्स है, कितना पढ़ लो आप एक एग्जाम में काम हो जाएगा, नहीं तो अलंकार इतने हैं। अभी आपसे कोई बोले कि आप किसी लड़के को या फिर किसी लड़की को सजाने के लिए जो आभूषण चाहिए या फिर जो वस्त्र चाहिए उनकी संख्या निश्चित है, मानोगे नहीं, नहीं। कितना भी सजा दो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। फिर मम्मी आई टीका लगा दी काले रंग का, नजर नजर वो भी अलंकार में आ जाता है ना। फिर आंखों के किनारे जैसे काला काजल निकाल देते हैं यहाँ तक, वो भी नजर ना लगे। बचपन में बच्चों को भी देखे हो आप, एक टीका यहाँ लगता है, एक टीका यहाँ भी लगता है, वो भी अलंकार में आ जाता है। और बच्चे को चप्पल पहनाना हो तो यहाँ से भी ये कैसे वो जो पहनते हैं ना लालता लगाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे बना देते हैं, देखते हो सब, वो अच्छा लगता है बच्चों को, अलंकार में वो भी आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते कि फिक्स है, कोई कहे कि फिक्स है तो ये बात गलत है। अलंकारों की संख्या फिक्स नहीं है। हाँ, कुछ फिक्स अलंकार है जिनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, उनसे काम हो जाएगा, ठीक है। तो अलंकारों को 2 भागों में बांटेंगे। वैसे एक अलंकार और भी होता है, उभया अलंकार। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाता है, अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाता है। उभया अलंकार जो होता है उसमें शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर शोभा बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उभया अलंकार वैसे जल्दी नहीं पढ़ा जाता, पूछा भी नहीं जाता है, 2 ही पढ़ा जाता है, शब्द और अर्थ। तो हम कौन सा पढ़ेंगे, शब्दालंकार। रेडी करो, शब्दालंकार समझ लोगे ना तो कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे दिल्ली पुलिस में हिंदी है नहीं, लेकिन और एग्जामों में तो है, जहां हिंदी रहती है पूरा नंबर देती है, इसलिए हिंदी पे पूरा फोकस करके आपको पढ़ना है, हिंदी से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। और अगर हिंदी से क्वेश्चन गलत करके आए ना, हाँ पाप करके आए, पाप नहीं करना है आपको, पुण्य करना है, पाप तो करना ही नहीं। हिंदी से क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होना चाहिए, बहुत गड़बड़ हुआ तो वर्तनी से हो सकता है, वर्तनी सुधारो, खुद से मेहनत करो, कुछ लिखना, अब इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हो कम से कम शुद्ध लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए ना। अब इसको कोई थोड़ी सिखाएगा ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बचपन से लिखते आ रहे हो, इसीलिए बचपन में बच्चों को इमला लिखवाया जाता था, इमला नहीं जाता, हाँ नकल हो नकल, भाई इमला बोलते थे आप, लिखते थे आप, शायद उस स्कूल में नहीं पढ़े जिसमें आपके साथ ही लिखवाते होंगे, होते थे लिखने के लिए, खुद बोलते थे आप लिखते थे, इसी में सर को थोड़ा सा आराम मिलता है। हाँ, एक बच्चे बुला लेंगे वो बोलेगा, बाकी बच्चे लिखेंगे, सर जी आराम से समझ लेते हैं, यही फायदा मिल जाता है। तो लिखना पहला, हम पहले क्या पढ़ेंगे, शब्दालंकार लिखना, डैश करके गेटिंग करो, शब्दालंकार डैश लिखो, शब्दों के द्वारा या फिर शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को शब्दालंकार कहते हैं, को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को सत्ता अलंकार कहते हैं। ठीक, अब अगर हम इसमें अंदर जाएंगे ना, इसके पांच बच्चे हैं, शब्द अलंकार के पांच बच्चे हैं, और हमें वही पांच ही पढ़ना है तो बहुत है। देखो फिक्स नहीं है, कोई आपको फिक्स बोले तो समझ लेना कि फिक्स नहीं है, लेकिन हमें यहाँ शब्द अलंकार के पांचों बच्चों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आप कॉपी के बीच में लिखोगे शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और इनके पांच बच्चों के नाम लिखना शुरू करोगे। ऐसे ऐसे बनाओ शब्द अलंकार, और पांच पांच कॉलम बनाना है, उस पांचों के नाम लिखना है। देखो चार में क्या पांच हो गए ना, पहला लिखना बोले, पहला लिखना अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार जोड़ लीजिएगा, हो गया। दूसरा लिखना यमक, यमक का उदाहरण कनक याद है, यमक। तीसरा लिखना श्लेष, श्लेष चिपका हुआ अर्थ होता है, पढ़ेंगे श्लेष अलंकार सब जोड़ लेना। चौथा लिखो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, और पांचवा लिखना वीप्सा, वापे बड़ी का मात्रा वीप्सा। कितने हुए, पांच हो गए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसके बाद वक्रोक्ति और वीप्सा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, शब्द क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। शब्द का कोई अर्थ होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अच्छा, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक सार्थक इकाई वाक्य है, किसी वाक्य को ही बोलकर आप अपना अर्थ प्रकट कर सकते हो। ठीक है, अगली बार जब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इसमें सबसे पहला क्या नाम लिखे हैं, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जब भी आप शुरू करोगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें एक एक अक्षर की बात की जाएगी, शब्द की नहीं। ध्यान रखना, ये जैसे स लिखा गया है, ये स एक अक्षर है, इसे वर्ण बोल सकते हैं, व्यंजन बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये एक शब्द है। जैसे घर, घर एक अक्षर है, इसे वर्ण भी बोल सकते, वर्ण है, इसे व्यंजन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर र लिख दिया जाए तो घर क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, हम वाक्य में शब्द बोल रहे हैं कि वर्ण बोल रहे हैं, मतलब व्यंजन बोल रहे हैं कि शब्द बोल रहे हैं। जब शब्द बोला जाएगा तब समझ लेना कि जहां भी अलंकार के रूप में प्रयोग होगा कोई शब्द होगा, और जब व्यंजन बोला जाए समझ लेना कोई एक शब्द, एक वर्ण होगा, कोई एक व्यंजन होगा जो अलंकार के रूप में प्रयोग होगा, कोई सिंगल होगा ना जो अलंकार के रूप में प्रयोग होगा, और जब शब्द बोला जाएगा समझ लेना उसके साथ और भी शब्द जुड़ के एक शब्द बनाएंगे। लेकिन जब आप अनुप्रास पढ़ोगे तो अनुप्रास में सब शब्दों का ही खेला है। ठीक है, कुछ चीजें और यही बतानी थी, उसको बताए नहीं। ये तो पांच नाम आप लिख लिए हैं, कुछ अलग सिर बना के लिख लो, मैं उसके बाद तब एक एक अलंकार पढ़ना शुरू करते हैं। लिखना बोले, लिखिएगा संस्कृत के, संस्कृत के अलंकार, अलंकार संप्रदाय, संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दांडी, आचार्य दंडी लिखना, दांडी नहीं, दंडी को माना जाता है, आचार्य दंडी को माना जाता है, हो गया। इनकी रचनाएं, कभी कभी इनकी रचनाएं पूछ लेता है, रचनाओं लिख लो, इनकी रचनाएं नाम लिखो डैश करके, दस कुमार चरितम, कई बार पेपर में हिस्ट्री लगा के पूछता है, इनकी रचनाएं दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम का, एक और लिखना
काव्या दर्शन, काव्या दर्शन है और भी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। काव्या दर्शन है, हो गया। अलग से मेरा फिर से इतना, काव्य दर्शन को ही अलंकारिक ग्रंथ कहा जाता है। काव्य दर्शन को ही अलंकारिक ग्रंथ कहा जाता है, हो गया। अलग से बना के फिर से लिखना, सब लाइनें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बोले लिखिएगा, हिंदी के कवि केशवदास, नाम सुने होंगे इनका, केशवदास की रचनाएं कभी पढ़ी, बहुत अलंकार भरा पड़ा है उनकी रचनाओं में। हिंदी के कवि केशवदास को अलंकारवादी कवि माना जाता है। हिंदी के कवि केशवदास को अलंकारवादी कवि माना जाता है, अलंकारवादी कवि माना जाता है। ठीक, तो अब हम शुरू करेंगे अलंकार को पढ़ना, ठीक है। और अलंकार में भी कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखेंगे, वैसे अलंकारों की संख्या फिक्स नहीं है, 400-500 तक हो सकता है, लेकिन कुछ अलंकार है जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, शब्दालंकार में हम चलेंगे अनुप्रास के पांच, और अनुप्रास शब्दालंकार के पांच भेद हैं, पांचों के नाम याद हो गए आपको, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक, विलसा, पांचों याद हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक, विलसा, ठीक है। शुरुआत हम अनुप्रास से करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पांच लोग तो शब्दालंकार में मुख्य रूप से बैठे ही है, इनमें से जो अलंकार पहला है अनुप्रास, इसके भी पांच बच्चे, अब पांचों बच्चों को पढ़ना होगा। वैसे इतना अंदर से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं, पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप फिर से रीडिंग करोगे अनुप्रास अलंकार और पांच कालम ऐसे बनाओगे, अनुप्रास अलंकार और पांच कालम बनाओगे, पांचों के नाम लिखोगे, जैसे आपने शब्दालंकार के पांच कालम बना के लिखा था ना, पांचों के नाम ऐसे। अब वैसे एक लाइन में लिखवाना ठीक नहीं है, ऐसे थोड़ा अलग अलग से दिखता रहता है। पांचों के नाम लिखो आप, बोले पहला लिखो वृत्यानुप्रास, लिख पाओगे वृत्यानुप्रास, हो गया। दूसरा लिखो छेका अनुप्रास, छेका छेदा खाए हो वही वाला, अच्छा छेना कहीं होगा तो, अरे इधर देखो खाइयो, सुजान दत्त का टर्बम, सब लोग खाए अभी नहीं, आप लोग का घर उधर पड़ता है ना, किधर सकते हो, सुजान दत्त की तरफ सकते हो, तो सुजान दत्त तो दूर है ना, तो खाई सकते हो, ये लड़की नहीं खाई है, बोलो खाई कोई नहीं छोटा है, सविता आप खाई, लड़कों में बहुत आशीष खाए, विनोद बहुत बार, अनुपम नहीं, मुकेश अजीत वही खाया होगा, मतलब शायद खाया होगा, देखा नहीं होगा, मतलब यार अरे मतलब अरे मैंने पहले मतलब वो नहीं, मैं जब खाया था तो मुझे याद नहीं था कि ये अगर बम है, ये कहने का मतलब आप ये सोच रहे खाया और देखा नहीं मतलब मुझे ये नहीं पता था वो अटर बम है, शायद किसी ने बताया था कि जो आप खाए थे वही अटर बम है, इसीलिए अभी तक जैसे आप कोई चीज जानते हो ये चीज यही है और खा लिए, उसका फिकर दिमाग में रहता है मैंने इसको खाया ऐसा ही होता है, और कोई आपको खिला दे और बताए वो जो ढेर सारी मिठाइया खाए तो सीधे अटर बम था, कैसे याद करो कौन सा अटर बम था, मैं शायद इसी टाइप में मैं खाया था तो याद नहीं है मुझे कैसा होता, आप बता सकते हो कैसा होता, छेना जैसा ही होता है ना, छेना छेना कौन खाता है मीठा, मतलब कि चलो जाए गौरी शंकर के दिन खा कर ही जाए, शादी में बनता है बड़ा सा होता है, चलवा जाए कुछ, पहला लिखे क्या
दूसरा था, पहला था वृत्त, दूसरा छेका, तीसरा लिखो लाटा, लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास हो गया। तीसरा लिखो, चौथा लिखो अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अगला लिखो श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या अंत्या श्रुत्यानुप्रास। ये पांच है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्त्यानुप्रास, वही है ना वृत्त्यानुप्रास। हेडिंग करो, थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा नेक्स्ट टाइम टाइम हो गया है सर, आ गया हिंदी का टाइम बड़ा तेज भागता है। पहला क्या हेडिंग है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास हेडिंग करना, डैश करके उसमें लिखना, बोले लिखना, जब अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो। आवृत मतलब क्या होता है? दोहराव ना, बार बार यूज करना आवृत होता है, दोहराव। जब अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो तो उसे क्या बोलेंगे? वृत्त्यानुप्रास। हो गया? जैसे जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग बताइएगा। बोलो, खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से गुस्सा आ जाता है, तो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब देखो इधर देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। फिर से वैसे लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपने, मैंने क्या कहा, व्यंजन शब्द नहीं बात किया, उसको व्यंजन लिखो आप। जब अनेक व्यंजनों की कभी कभी एक व्यंजन और कभी कभी अनेक व्यंजनों के अनेक बार आवृत हो जाए, देखो ख ख ख ख, फिर से आगे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह ना, बार बार ख आ रहा है, तो एक ये व्यंजन जो है अनेक बार इसकी आवृत हो रही है, किसमें आ जाएगा? ये वृत्त्या में। ठीक है, जैसे एक और लिखो, दिखाया नहीं है ना, एक लिखो जैसे उदाहरण करके, बोले तरणी, तरणी 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 तनुजा तट तमाल, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें किसकी आवृत बार बार हो रही है? ताकि, तो आप ता को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप क्लियर कर सको। ता बार बार यूज हो रहा है तो आ जाएगा किसमें? वृत्त्यानुप्रास में हो जाएगा। ता बार बार यूज हो रहा है किसमें आएगा? आपको याद आ रहा है? हाँ बोले, नहीं नहीं वो नहीं, कनक कनक वाला ना, अलग है, कनक पूरा शब्द हो जाएगा। आगे दरअसल बात ये है ना, अभी ये थोड़ा अलग भी हो जाएगा क्योंकि इसमें दो दो शब्द साथ में आ रहे हैं, टम 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 कई बार आ रहा है, तो आगे इस टाइप का मिलेगा। इसमें भी इसको काउंट कर सकते हैं लेकिन इसका अलंकार अलग से बन जाएगा। एक और लिखना, चार चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें क्या है? चर है। चक अंडरलाइन करो सब लोग। ये क्या बता रहा है कि एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है ना। एक उदाहरण और लिखवा देता हूं, उसको लिख लो, मुद्दत मुद्दत महिपत, मुद्दत महिपत मंदिर आए,
महिपत मंदिर आए, हो गया। नीचे फिर से लिखना, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुद्दत महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब बताओ इसमें क्या क्या है, माँ है और सा है, तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार, वृत्यानुकूल। ठीक है, अभी इसके और भी उदाहरण है, कल कवर करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा आप उसको अंडरलाइन कर लो, किस पे करोगे, माँ पर और सा पर। ओके, अभी ये खत्म नहीं हुआ, कल इस पे और बात करेंगे, अभी शुरुआत ही है, अभी कुछ उदाहरण और बात करेंगे, ताकि अलंकार अगर कभी आप कोई गाना भी सुनो, कोई गाना ही याद है आपको जिसमें कोई शब्द बार बार यूज हो रहा है, आधुनिक भारत का कोई गाना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बताओ, गाना सुनते नहीं हो आप लोग ना, कविता पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, कविता नहीं, गाना नहीं सुनते, कोई गाना नहीं याद आ रहा है जिसमें कोई, कौन सा शायद ही गाना है, शायद शायद कौन सा गाना है बताओ, हम सुने नहीं सर, हम भी पढ़ो थोड़ा सा, देखिए क्या है, थोड़ा सा बताओ, हम पकड़ लेंगे, शायद कभी ना कह सको तुमसे, तो इसमें कहां कोई शब्द बार बार यूज हो रहा है, अच्छा शायद कभी ना कह सको तुमसे, कह दो बार आ रहा है, हाँ हो सकता है, अरे कुछ गाने याद, कल गाने याद करके कल हम बात करेंगे, आप ऐसे गाने ढूंढ के आएंगे, एक एक हिंदी गाना सबको ढूंढ के आना है जिसमें कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन, तब का दो बार आ रहा है, लेकिन कोई शब्द आप यूज, मतलब एक एक शब्द ढूंढ के आओ, एक एक गाना, देखिए किसी का गाना मैच नहीं करना चाहिए, कल पूछे कोई बहाना नहीं चाहिए, चाहत कसम नहीं है, अच्छा चलो कल आपको काम है, ये घर का होमवर्क है, ये गाना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लीजिए।